हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो हम सीखने वाले टैक्सेशन का एक न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये चैप्टर एग्जाम में 14 मार्क का पूछा जाता है। चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, इसमें बहुत सारे रूल्स है लेट आउट हाउस के लिए और सेल्फ हाउस के लिए, लेकिन मैंने इसका शॉर्टकट एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप सम करोगे तो सारे सॉल्यूशन सम्स होने वाले हैं। तो इस चैप्टर के लिए जो मैंने फॉर्मेट रेडी किया, ये उसका फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट को अप्लाई करोगे तो सारे सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा रूल्स रहेंगे कि लेट आउट के लिए क्या करना रहेगा और सेल्फ हाउस के लिए क्या करना रहेगा। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको जो फॉर्मेट मैंने रेडी किया है कि आपको टैक्सेबल इनकम तक फाइंड आउट करने के लिए सारे स्टेप आपको फॉलो करने रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। पहले रीड कर लेता हूं, फिर आपको एक सम्स भी प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो और बहुत सारे आने वाले हैं। तो स्टेप वन में आपको क्या करना रहेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों दी गई होगी। सारी वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, दोनों में से पहले सिलेक्ट करना है हायर वैल्यू। उसके बाद उसका कंपेयर करना है आपको स्टैंडर्ड रेंज रेंट से, और हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट ये दोनों का कंपेयर करके जो लोअर वैल्यू होगा ना, वो उसका स्टेप वन का आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेप वन। स्टेप टू की बात करें तो स्टेप टू में हमको लिखना पड़ता है एनुअल रिसीवेबल रेंट। इसका मतलब जो पूरा साल का जो रेंट होगा ना, वो कई बार सम्स में मंथली भी दिया हुआ होता है तो हम उसको एनुअल कर देंगे। जो एनुअल रिसीवेबल रेंट होगा वो माइनस होता है अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब होता है जो रेंट हम नहीं ले पाए, मतलब वो हाउस रेंट पर दिया था लेकिन उस मंथ में हमको रेंट नहीं मिला, वो वाला रेंट। दोनों लेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टेप टू का आंसर। स्टेप थ्री में क्या होता है कि स्टेप वन का जो आंसर मिला है वो और स्टेप टू का जो आंसर मिला वो, दोनों आंसर में से स्टेप वन और टू दोनों के आंसर में से सिलेक्ट होगा हायर वैल्यू। जो हायर वैल्यू आएगा वो स्टेप थ्री का आंसर हो जाएगा। वैसे स्टेप फोर की बात करता हूं तो स्टेप फोर में सबसे पहले आपको स्टेप थ्री का जो आंसर मिला है ना, वो रिटर्न आउट कर लेना है और उसमें से क्या लेस करना रहेगा, वैकेंसी रेंट। वैकेंसी रेंट मतलब होता है कि हाउस जितने मंथ वैकेंस रहा है, मतलब जितने मंथ हमने उसको रेंट पर नहीं दिया, वन मंथ टू मंथ जो भी रहेगा, वो वैकेंसी का जो रेंट आएगा वो स्टेप थ्री की वैल्यू में से वैकेंसी का रेंट लेस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा उसको नाम देंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV बन जाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, उसका स्टेप फॉलो नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है कि उसका हमें लेस करना रहेगा म्यूनिसिपल टैक्स। बट जो म्यूनिसिपल टैक्स होगा ना, वो होना चाहिए पेड बाय ऑनर, जो उसका ऑनर है ना हाउस का, उसी का म्यूनिसिपल टैक्स लेस किया जाएगा। और ग्रोस एनुअल वैल्यू में से टैक्स लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, NAV। ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट NAV की बात क्या करना रहेगा, NAV की वैल्यू रिटर्न डाउन करने का कुछ स्पेशल डिडक्शन करने रहेंगे। कुछ स्पेशल डिडक्शन में 1, 2, 3 डिडक्शन होते हैं। पहला जो डिडक्शन होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 30% रहेगा हमेशा फिक्स सही है, 30% ही होगा जो NAV का, जो 30% होगा वो। सेकेंड होता है करेंट ईयर का जो इंटरेस्ट, जो हमने लोन लिए ना उसका जो करेंट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो लेस करना है। उसके बाद स्टेप थ्री, उसमें आएगा कैपिटलाइज इंटरेस्ट। और कैपिटलाइज इंटरेस्ट का रूल है कि 1/5, मतलब 5 ईयर का गैप होना तो ही इंटरेस्ट आएगा, वरना इंटरेस्ट लिखना नहीं है। कैपिटलाइज मीन्स होता है कि जब हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ली है उस लोन का जो इंटरेस्ट पेड करना आएगा वो लिखना रहेगा। तो अब आता हूँ सम्स पे, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो सके। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सम्स में लेने वाला हूँ। जो आपका प्रैक्टिकल सम्स है क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में आज। और ये जो 13 है जो एग्जाम में पूछा गया है गुजरात यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा गया है। ओके, नाम है इसका, ऊपर हेडिंग में लिखा गया है मिस्टर कुमार लिखा गया है। ओके, तो देखिए इसमें हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, तो 3 हाउस दिए गए और इन्फॉर्मेशन जरूर दी गई होगी। तो हाउस नंबर 1 है वो लेट आउट किया गया था फॉर रेसिडेंस, रहने के लिए भाड़े पे दिया गया था। हाउस नंबर 2 भी लेट आउट किया गया, लेकिन किसके लिए, बिजनेस के लिए। कोई बात नहीं, दोनों बात एक ही है, लेट आउट हुआ मीन्स समझ जाना दोनों सेम ही है। लेकिन थर्ड जो हाउस है ना वो सेल्फ ऑक्यूप्स है, मतलब खुद के लिए यूज हुआ है, रेंट पे नहीं दिया। तो सेल्फ ऑक्यूप्स के कुछ रूल आने वाले, रूल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको सम्स पे आता डायरेक्टली। तो लेट आउट और लेट आउट के लिए सारे स्टेप फॉलो करने रहेंगे एंड तक, लेकिन सेल्फ पे लेके आओ कुछ रूल्स होने की, कोई स्टेप सॉल्व करने तो कोई नहीं करने, तो ये मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा। दोनों हाउस पहले साथ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ लेट आउट का, और सेल्फ वाला आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखो अमाउंट कैसे भरनी होती है। तो पहला क्या लिखा, म्यूनिसिपल वैल्यू। तो सम्स में यहाँ लिखा है म्यूनिसिपल वैल्यू, आपको दिख रहा होगा पर एनम। तो हाउस नंबर 1 का 4 लाख, हाउस नंबर 2 का 2 लाख 10,000।
तो 4 लाख यहाँ पे लिख देना आपको, और यहाँ 2,10,000 लिख देना है। फिर क्या है, फेयर रेंट, तो फेयर रेंट भी दिया होगा, एक्चुअल फेयर रेंट ये दिया गया, आपको दिख रहा होगा नंबर प्लेट में 4,20,000 और 2,25,000 दिया गया, 4,20,000 और 2,25,000। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा मैंने ऑलरेडी हायर वैल्यू सिलेक्ट करना है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करना है आपको, हायर, तो म्यूनिसिपल 4,00,000 और 4,20,000, इसमें से हायर वैल्यू हुआ 4,20,000, वहीं पर 2,10,000 और 2,25,000 इसमें सिलेक्ट होगा हायर 2,25,000, राइट। फिर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट चेकआउट कीजिए, कई बार देता है कभी नहीं देता, नहीं देता तो डैश कर देना, नील होगा। यहाँ स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 4,10,000, 1,95,000, 4,10,000 एंड 1,95,000, और कौन सा वैल्यू बोला, लोअर वैल्यू सिलेक्ट करना है, जो 4,20,000 और 4,10,000, इन दोनों में से लोअर वैल्यू है 4,10,000, ये आंसर हो जाएगा। इसलिए हाउस नंबर टू में 2,25,000 और 1,95,000 कौन सा लेना है, लोअर, तो लोअर हो जाएगा 1,95,000। ये हो गया स्टेप वन का आंसर दोनों हाउस के लिए, लेट आउट के लिए, सेफ वाला मैं एंड में सॉल्व कराऊंगा आपको। तो ये हो गया स्टेप नंबर वन कंप्लीट। बात करो स्टेप टू पे आता, तो क्या लिखा था, एनुअल रिसीवेबल रेंट, जो हमको एनुअल रेंट मिलना चाहिए वो, तो देखते सम्स में दिया हुआ होगा, लेट आउट में तो कंपलसरी होगा, तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट करके दिया हुआ है, और वो भी क्या दिया, मंथली, कई बार एनम पर एनम भी दिया हुआ होता है, मंथली यहाँ 30,000 है फर्स्ट हाउस का, सेकेंड हाउस का 25,000 है, तो उसको एनुअल कैसे करेंगे, इंटू में 12 कर देना, अगर मंथ का 30,000 है तो इंटू में 12 करके एनुअल आ जाएगा, तो 30,000 इंटू में 12 तो आ जाएगा 3,60,000, ये हो गया इसका एनुअल हाउस नंबर वन का, 30 से इंटू किया, जबकि हाउस नंबर टू के लिए कितना है, 25,000 है, तो 25,000 को 12 से इंटू करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर उसका एनुअल हो जाएगा 3,00,000 हो जाएगा, राइट। ये हो गया एनुअल रेंट दोनों का। अब लेस क्या करना है, अनरियलाइज रेंट, मतलब जो रेंट हमको वसूल नहीं हुआ, जो हम रेंट ले नहीं पाए उससे, तो चेकआउट करें, कई बार दिया हो कहीं भी नहीं भी दिया, जरूरी नहीं कि कंपलसरी है, तो इन्फॉर्मेशन में चेकआउट करा तो मुझे कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि हमको रेंट नहीं मिला हो, तो ये वाला टॉपिक नहीं करना, डैश, तो आंसर हो जाएगा लेस करके वही का वही 3,60,000 एंड 3,00,000, ये स्टेप टू का अपना आंसर हो गया। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम सॉल्व करना है सारे के सारे सम्स। बात करो स्टेप थ्री की, तो यह लिखा है स्टेप वन की वैल्यू लिखना है, देन स्टेप टू की, तो स्टेप वन की वैल्यू है 4,10,000, इसका है 1,95,000, ओके। स्टेप टू की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 3,60,000 है और यहाँ पर 3,00,000 है, ओके। अब इसके बाद क्या लिखना है, हायर वैल्यू सिलेक्ट करना है, दोनों में से हायर वैल्यू क्या हो गया 4,10,000, इसके लिए हो गया 3,00,000, ये हो गया स्टेप थ्री का आंसर कंप्लीट। बहुत इजी था स्टेप थ्री। स्टेप फोर में क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप थ्री की वैल्यू आपको रिटर्न डाउन करना है, जो स्टेप थ्री का आंसर आया वो, तो स्टेप थ्री का आया यहाँ पर 4,10,000, यहाँ पे आया 3,00,000, राइट। अब क्या माइनस करना है, वैकेंसी रेंट, मतलब जितने मंथ हाउस भाड़े पे रेंट पे ना दिया वो मंथ का रेंट कैलकुलेट करना है, तो कई बार इन्फॉर्मेशन दी भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, इन्फॉर्मेशन चेकआउट करो। नंबर सिक्स में लिखा है वैकेंसी पीरियड, मतलब यहाँ वैकेंसी ये चेक करो, फर्स्ट हाउस के लिए दिया 1 मंथ, मतलब 1 मंथ ये हाउस वैकेंस रहा है, मतलब इसमें भाड़े पे दिया गया नहीं है, और दूसरे में डैश है, मतलब इसमें ऐसा था ही नहीं, मतलब 12 मंथ पूरा उसने रेंट पे दिया हुआ था, तो 1 मंथ का रेंट निकालना हाउस नंबर वन के लिए, तो 1 मंथ का कितना आएगा, तो आपको ऑलवेज याद रखना है स्टेप टू के ना जो एनुअल था ना एनुअल रेंट, उसके बेस पर ही निकाला जाएगा। एनुअल मतलब पूरे साल का, ईयर का 3,60,000 है, तो 1 मंथ का कितना हुआ, तो 3,60,000 में डिवाइड करने का 12 का, तो 1 मंथ का आएगा 30,000, और यहाँ वैकेंसी कितना बोला गया, 1 मंथ ही बोला गया, तो 30,000 रेंट होगा वैकेंसी का, 2 मंथ बोला तो 60 हो जाता, ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, मतलब मंथली आपको फाइंड आउट कर देने का, तो यहाँ आएगा 30,000, इसके लिए तो वैकेंसी पीरियड था ही नहीं, राइट। तो 4,10,000 माइनस 30,000 कर लेंगे तो 3,80,000, और यहाँ पे वही का वही आएगा 3,00,000। ये जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV, ये वैल्यू बन जाएगी। अब आगे सॉल्यूशन देखिए, बड़ा इजी, आगे हमें क्या करना है, लेस म्यूनिसिपल टैक्स करना, लेकिन कौन सा वाला, ऑनर ने जो पेड किया वही, जो मालिक है कौन है, मिस्टर कुमार है यहाँ पर, तो यहाँ पे नंबर 7, 8, 9 सब में म्यूनिसिपल टैक्स दिया गया, पर कौन सा लेना है, मिस्टर कुमार ने जो पेड किया वो टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर कुमार 22,18, तो यहाँ पे आएगा 22,000 और 18,000, क्या करना है, लेस करना है, राइट ना, तो यहाँ पे 22,000 लेस कर लेंगे, 3,80,000 माइनस 22,000 आ जाएगा 3,58,000,
यहाँ 3 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे तो 2,82,000 ये जो वैल्यू बन जाएगी नेट एनुअल वैल्यू बन जाएगी, ओके एनएवी बन जाएगी कंप्लीट। नेक्स्ट अभी भी स्टेप कंप्लीट करना है, यहाँ पे वापस मैं एनएवी लिख देता हूँ जो आंसर आया, क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो 3,58,000 और 2,82,000 आया था, राइट ना। अब आगे लास्ट स्पेशल डिडक्शन 1, 2, 3 तीन डिडक्शन लेस करना है। फर्स्ट क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना है 30%, तो आपको याद रखना जो एनएवी आया ना उसी का 30% निकालना है, मतलब यहाँ 3,58,000 का 30% निकालना रहेगा आपको, तो 30% आएगा 1,07,400, ओके वहीं पर 2,82,000 का 30% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84,600, ये हो गया स्पेशल डिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है करंट ईयर का जो इंटरेस्ट पेड करना आएगा वो, जो लोन का करंट ईयर का, तो कई बार सब्स में गिवन होता ही है, नंबर 11 में दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन ली थी उसका इंटरेस्ट पेड किया प्रीवियस ईयर, मतलब वही करंट ईयर बन जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का इस ईयर ही पेड करेंगे, राइट ना, तो आएगा 10,000 और इसका 30,000 एंड 30,000। लास्ट और फाइनल कैपिटलाइज इंटरेस्ट, ये क्या होता है जब लोन ली गई थी कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका ऊपर पेड किया जाता, तो यहाँ पे देखिए नंबर 12 में लिखा है कैपिटलाइज इंटरेस्ट टोटल दिया गया, तो हमको टोटल नहीं लिखना है, हमको क्या करना रहता है 1/5 करना रहता है, मतलब 5 ईयर का ही लिखना रहता है, 5 ईयर का हो तो ही लिखना है, उससे ज्यादा हो गया तो नहीं लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन कब हुआ था कंप्लीट 13 और 14 में हुआ था, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है 17 और 18 चल रहा है, तो यहाँ पे 5 ईयर से लेस है, 5 साल से कम है, तो ये आएगा राइट ना, पर 1 लाख की अमाउंट नहीं आएगा, अपने को एक ईयर का चाहिए ना, ये 5 साल का है, तो उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा ओनली 20,000 आएगा। वैसे सेकंड हाउस के लिए दिया 1,50,000, पर इसका ईयर चेक करो कब कंप्लीट हुआ था 2007 to 2008 और अभी चला 2017 to 2008, मतलब 10 ईयर हो गए, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कैपिटलाइज इंटरेस्ट नहीं गिना जाएगा क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गया, तो इसके लिए कैपिटलाइज इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सारे स्टेप, अब क्या करना है एनएवी में से एक डिडक्शन क्या करना है लेस करना रहेगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर बन जाएगा तो 3,58,000 में से माइनस करेंगे 1,74,000 और उसी तरह से माइनस करेंगे यहाँ पर 10,000 और माइनस करेंगे 20,000, तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा पहले हाउस का आंसर बन जाएगा यहाँ पर 2,20,600। वैसे सेकंड के लिए माइनस करेंगे एनएवी 2,82,000 माइनस यहाँ पर 84,600 माइनस 30,000, तो आंसर आएगा 1,67,400, ये हो गया सेकंड हाउस का आंसर, ये होगा टैक्सेबल इनकम, ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करता हूँ सेल्फ वाले हाउस की, तो जब भी सम्स में ओनली वन सेल्फ वाला हाउस होगा ना, वन सेल्फ वाला, तो आपको कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करने, स्टेप 1 डैश होगा, स्टेप 2 भी डैश होगा, स्टेप 3, 4 डायरेक्ट आपको आने का एनएवी पे आ जाने का, एनएवी पे आ जाना, एनएवी जीरो एज्यूम किया जाएगा, एनएवी पे आ जाना, एनएवी जीरो एज्यूम किया जाएगा, उसके बाद की स्टेप करने ओनली स्पेशल डिडक्शन ही करने, तो स्टेप में डिडक्शन 30% है, तो जीरो का 30% तो जीरो ही होगा। फिर करंट ईयर का इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर थर्ड करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया 35,000, ओके अब बात करते हैं कैपिटलाइज इंटरेस्ट, तो इसकी अमाउंट यहाँ पर दी ही नहीं गई है राइट ना, तो भी डैश हो जाएगा, तो जीरो माइनस 35, तो माइनस का 35 आंसर आएगा। अब क्या करना है लास्ट टोटल कर देना है, तो तीनों हाउस का टोटल करना है, ये दोनों प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस होगा, और वो वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके दोनों हाउस का प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 35,000, तो जो टोटल आएगा 3,53,000 आएगा, ये होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये समझ हुआ कंप्लीट इस तरह से फॉर्मेट को अप्लाई करना, आई होप आपने वीडियो समझा होगा, समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे शेयर करना ना भूलिए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा जिससे मैं और कंटेंट बना सकूं आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।